अच्छा भाई, हाँ भाई, यहाँ से शुरू करते हैं नताशा। छोटी 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 शिकायत किसी से हो, कोई चोरी का इरादा करता था या चोरियाँ तो चोरी कर लेता था तो एक ही इंसान करता था। कौन करती थी तुम्हारे नजदीक? अरूबा चोरियाँ करती थी और करवाती भी थी दूसरों। अच्छा। से ना तो मैं बाकी तो किसी का नाम नहीं ले सकूंगी कि वो, जाहिर है वो उन्होंने अपनी एक स्ट्रेटजी सोची होगी कि मुझे गेम ऐसे लेके चलनी है, तो वो इनको बुला के अलग, मुझे अलग, मेरे जैसे से चीनी का डब्बा उठवा दिया। सोचें अरूबा के पास ऐसी क्वालिटी है, सबने कहीं ना कहीं चोरी की, मतलब मुझे लगता है कि उसमें सारा कसूर हम अरूबा को नहीं दे सकते। और अरूबा ने चोरी नहीं था कि वो फेस या कहने वो बन जाती थी। नहीं नहीं, वो मुझसे सवाल करिए सबसे ज्यादा। हां तो अच्छा, सबके अलग-अलग परसेप्शंस है, सब अपनी शिकायत खुद करेंगे। अरूबा की चोरी में ना हमने भी चाय पी, उसने हमें चोरी करके चाय पिलाई रात को, तो वजारत में केक चोरी करती। अच्छा, एनीवे वो खुद भी करती थी। चलो सबके नाम लेती हूं ना मैं, एक एक करके। अरूबा की तुमने ये बताई शिकायत, इसके खुद भी करती थी, दूसरों से भी करवा लेती थी बेचारी से। अच्छा, आप जुनैद, जुनैद से अगर कोई शिकायत हो तो क्या हो? जुनैद से शिकायत, जुनैद ने मुझे लगता है कि अपनी गेम सही से नहीं खेली। वो दूसरों को सुनने के चक्कर में ही और दूसरों के पीछे लगने के चक्कर में उसने अपनी गेम खराब की है। अच्छा, अब उमर, उमर जो है, उमर तो बहुत अच्छा खेले हैं। शुरू में वो 2 वीक थोड़ा सा जरा परेशान थे, या शायद वो गेम को समझ नहीं पा रहे थे, या उनके लिए बिल्कुल एक नई चीज़ हो सकती है, नए लोग ज़्यादा थे घर के अंदर। तो उमर से शिकायत कोई नहीं, उमर तो बहुत अच्छा खेला है। उमर ने तो बहुत अच्छा खेला, वेरी पॉजिटिव। अच्छा, हाँ, सबके नाम दोहराते रहो मेरे दिमाग में, सबके नाम तो नहीं आएंगे। अच्छा, अब वो है, और कौन है? मिशेल जो है, उसके बारे में मैं ये कहूंगी कि अगर वो अरूबा के पीछे ना लगती, उसी की चमची ना बनी रहती, जो कि मुझे जो वर्ड यूज करना चाहिए, तो मिशेल बहुत प्यारी इंसान है। और उसने निकलने के बाद ये बोला भी, उसने बिल्कुल बोला होगा, मुझे उसके निकलने वाले वीक में उसका अंदाजा होना शुरू हुआ, जब वो नॉर्मल होने शुरू हुई। उसको उसने खुद भी मुझे कहा कि नहीं नताशा, मैं तुम्हें गलत समझी थी, तुम नहीं हो ऐसी। जाहिर है वो जो उसके कान भरे जा रहे थे, अगर वो कान भरने कच्चे कानों की कच्चे कान से ये शिकायत, तो मिशेल बहुत पॉजिटिव। नेहा को थोड़ा अपना दिमाग का इलाज कराना चाहिए मुझे। हाँ। लगता है कि उसको सिर्फ कंटेंट ही चाहिए होता था। हाँ। और उसको बस कुछ नहीं, उसको उसके दिमाग में गेम ही सिर्फ ये थी कि मैं कोई उल्टी सीधी हरकतें करती रहूं और मैंने कंटेंट लेने। हाँ। हाँ। अच्छा, राना इनका दोस्त था, अच्छा। जैनब तो रही सिर्फ 2 हफ्ते, और उसमें जैनब से शिकायत मुझे ये है कि उसने इतना सारा टाइम उमर के पास बैठने में जो लगा दिया, वो अपनी गेम में लगाती तो शायद वो एंड तक रहती। वो अच्छा, अच्छी थी, उसका दिमाग शार्प है माशाल्लाह, वो बहुत अच्छा खेल सकती थी, लेकिन शायद उसको एकदम समझ नहीं आई तो वो सारा टाइम उसने वेस्ट कर दिया। राने मेरे शो से पुराना दोस्त है, बहुत पहले का दोस्त है। राना आई थिंक अपने हिसाब से सही खेलता रहा है, जहां तक उसको, जहां पे भी उसको लगता था ना कि मुझे अपनी गेम लेके चलनी है। हाँ। तो मुझे जहां पे कंटेंट लेना है। हाँ। तो वो जानबूझ के उल्टी हरकतें भी करता था। अच्छा। और जहां उसको लगता था कि मुझे पॉजिटिव होना है तो वो पॉजिटिव भी होता था। अच्छा, तो वो मिली जुली गेम लेके चला है मुझे। हाँ। राने की गेम भी अच्छी लगी है। और फैजान, फैजान तो मुझे थिंकिंग नहीं, आई मीन फैजान भी अच्छा खेले है, लेकिन शायद वो अपने अजीब से जो प्लानिंग्स में रहते थे ना। हाँ। पहले दिन से कि इसको कैसे आउट कराना है, अली सिकंदर को गेम से कैसे निकालना है, नताशा को अल्लाह करे, अल्लाह करो दुआ करो नताशा निकले। हाँ। मतलब इस तरह की बातें करने से बेहतर है आप अपनी गेम पे फोकस करें। हाँ। तो वो बस पुप्पो मशहूर हो गए। हाँ। अपनी इन बातों पे, लेकिन उनकी गेम भी इतनी अच्छी नहीं थी, उनको फाइनल तक मुझे नहीं लगता फैजान को जाना चाहिए। अदनान अंबर, अदनान एडी, एडी भी थर्ड वीक में चला गया था, एडी बहुत अच्छा खेल रहा था। पता नहीं एक दिन एडी को क्या हुआ है, उसका मीटर आउट हुआ या क्या हुआ, मुझे समझ में आया, तो उसने नेहा के लिए कुछ बैड वर्ड्स यूज किए। हाँ। जिसकी वजह से उसको गेम से आउट किया गया। ओके।